हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और ये है आपके लिए असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11, जो कि क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का है। और आज हम अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी आपके साथ प्रैक्टिस हो सके। चलिए, एक नया टॉपिक है हमारे लिए आज पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जब हमारे परिवार में, हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और हम इस अवसर को सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन करते हैं। भाई, घर में बच्चा हुआ है, बहुत सारी खुशियाँ बधाइयाँ आती है। जबकि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक ही समय में पूरी दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते होंगे? हमारे घर में तो एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन सोचो पूरे स्टेट में, पूरे देश में या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कितने बच्चे पैदा होते होंगे। सोच से, रिसर्च से पता चला कि प्रति मिनट, एक मिनट में 250 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में एक मिनट में 250 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हर साल, यानी कि प्रत्येक साल एवरेज है 120 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। 120 मिलियन, सोचो कितने बच्चे एक साल में पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। संभवतः आपके लिए यह एक हो सकता है, क्योंकि आपके घर में तो एक ही बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये जनसंख्या के मामले में कई बच्चे एक मिनट में हर साल, हर घंटे में पैदा होते हैं। जनसंख्या के बारे में कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है। जैसे कि साल 2018 की जनसंख्या के अनुसार, जब 2018 में जनगणना हुई थी, तो वहां पर क्या पाया गया कि भारत की जो जनसंख्या है टोटल, वो कितनी थी, 135 करोड़ जनसंख्या थी 2018 में। भारत में पूरी आबादी में 48.04% महिलाएं हैं। अगर हम टोटल आबादी की बात करें, तो उसमें से 50 से कम, यानी कि 48 point something लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, एंड 51.96 ये क्या है, पुरुष हैं, फीमेल हैं, तो सॉरी मेल हैं, पुरुष हैं। तो मेल और फीमेल का भी यहाँ पर रेशो होता है कि भाई कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, तो सारा यहाँ पर जब जनगणना होती है तो वहाँ पर आंकड़े देखे जाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, केरल वह राज्य है जहाँ देश में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। हर स्टेट में पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। अगर हम 100 मान के चले, तो 100 में से 53, 54, 55, 56 आपके पुरुष होंगे, तो इसी तरह से 49, 48, 47, 46 महिलाएं हैं। लेकिन केरल में महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी कि 50 से अब महिलाएं हैं और 50 से कम पुरुष हैं। साथ ही यहाँ में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पुरुषों से, जो भी एक एवरेज आंकड़े निकाले जाते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि हमारे देश, अकेले भारत की इतनी जनसंख्या है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, और सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चीन, है ना, जहाँ से ये कोरोना वायरस आया है। तो पहले नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में चीन है, दूसरे नंबर पे हम हैं, और भारत में अकेला उत्तर प्रदेश जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। टोटल पूरे ब्राज़ील की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश, हमारे देश के एक ज़िले की जनसंख्या बराबर है। सोचो कितने लोग हैं यूपी में। जनसंख्या के बारे में ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से साल दर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश की, उसे यह आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2036, आने वाले 2036 में इसके 1.52 billion तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद है हमारे देश में। जो बच्चों के पैदा होने की जो स्पीड है ना, वो बहुत तेज़ी से है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे, मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं।
जो वर्तमान जनसंख्या के 30% से अधिक है, मतलब अभी 30% है और ये अभी जितना है उससे 30% ज़्यादा इन फ्यूचर एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। जबकि बार बार सरकार कहती है, पहले था कि बच्चे घर में बहुत ज़्यादा हो जाते थे, फिर कहा कि बच्चे दो ही अच्छे, हर घर में दो बच्चे होने चाहिए, और आज कहते बच्चा एक ही अच्छा। फिर भी देखो जनसंख्या बढ़ी जा रही है, समझ नहीं आ रहा कि जब बच्चा एक ही अच्छा तो ये इतने सारे बच्चे कहाँ बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, हम सभी को इन तथ्यों के बारे में जानना चाहिए। जो भी आंकड़े हैं देश के बारे में, हमारे पॉपुलेशन के बारे में, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और इसके बाद ही हम इसके बारे में सोच पाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हमारा एक स्टेट पूरे देश के बराबर है दूसरे देशों के, साथ ही हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो जनसंख्या बढ़ने पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इसे रोका नहीं जा नहीं सकते हम। ऐसे कई लोग हैं जो इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लोगों को लेना देना नहीं है। हम भी खाया पिया सो गए, अपनी ड्यूटी गए, नौकरी गए, घूमे फिरे हो गया। लेकिन एक अनुमान लगाएं कि आने वाले ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कितना मुश्किल हो जाएगा जीना। फिर भी हमें दूसरों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें जितना भी पता है लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पॉपुलेशन के मामले में हम कैसे एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। जब हम तुलना करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरे देश की या डेवलपमेंट की, तो हम बदल जाते हैं। जब हम दूसरों को तो शिक्षा देते हैं बट जब खुद के मामले में आता है तो हम साइड हो जाते हैं, अन्यथा हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वरना हमें लगता है कि हम ही 30 मार्का हैं। यह सिर्फ सरकार नहीं है जो सभी बदलाव ला सकती है, भाई जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार क्या करेगी बेचारी, सरकार का कोई रोल नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जनसंख्या रोकने के लिए किसे आगे आना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सके। बल्कि यह हमारे ऊपर भी है, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारे रिश्तेदारों और परिचितों को भी सिखाती है। हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, सिखाना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे परिवार के घर के लोग, सफाई कर्मी हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। यह जानकारी को उनके साथ भी साझा करें कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इसे रोकना चाहिए, क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए ताकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से, जो जनसंख्या विस्फोट है, वो ना हो और इस तरह हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मुझे भी अपना एक ऐसा सुझाव जिस पे कि अमल में लाया जा सकता है, कैसे हम जनसंख्या को रोक सकते हैं तेज़ी से बढ़ने में, हम इसे मतलब बढ़ने की पर अंकुश लगा सकते हैं। चलिए पहला सवाल है कि प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, भारत में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, पूरी दुनिया में या चीन में। तो ये जो आंकड़ा था ये पूरी दुनिया का था, तो पूरी दुनिया में प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा सवाल है, भारत दुनिया में देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो कौन से नंबर का है। पहले नंबर पे चीन बताया है और दूसरे नंबर पर है हमारा भारत। पूरी दुनिया में हर साल औसतन बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं पूरी दुनिया में हर साल, तो इसका आंकड़ा है 100 मिलियन है, 105 मिलियन है, 110 मिलियन या 120 मिलियन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 120 मिलियन पूरी दुनिया में एक साल में बच्चे पैदा होते हैं। वर्ष 2036 तक वर्तमान जनसंख्या के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तो ये है 30%, 30% बढ़ने की एक उम्मीद है, अनुमान लगाया है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है हर साल, ब्राज़ील की जनसंख्या भारत के किस राज्य के बराबर है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जनसंख्या बराबर है। किस देश की भूमि दुनिया की कुल भूमि का 2.4% है, तो ये है हमारा भारत, तो भारत की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से दुनिया
कि आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। आबादी कितनी है तो ये है आपका 17.7%, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हमारे देश में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है, यानी कि जहां जिस राज्य में पुरुष कम है और महिलाएं ज़्यादा हैं, तो एकमात्र आपका वो है केरल राज्य में महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं। किस देश की भूमि का क्षेत्रफल 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये सारी बातें आपके भारत की बात कर रहे हैं। और हमारे देश महिलाओं की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो पूरे देश में 51.96 जेंट्स हैं और महिलाएं हैं 48.46। तो ये है आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई थिंक आपको असेसमेंट में कितने मार्क्स मिले उससे ज़्यादा आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश की स्थिति क्या है, जनसंख्या की क्या कंडीशन है, और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हालत हमारे देश की होने वाली है, गरीबी कितनी बढ़ने वाली है और मारामारी कितनी ज़्यादा होने वाली है। अपना प्यारा सा सुझाव जरूर कमेंट में करें, जनसंख्या को नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है, और अगर ये जनसंख्या इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में स्थिति कैसी हो सकती है। तो इन दोनों सवालों के जवाब अपने मुझे ज़रूर कमेंट में रखेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।